नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको आपकी बीमारी से जुड़ी हर समस्या से निजात दिलाने की, जो कि बनी हुई आपकी परेशानी का सबब, आपकी हर बीमारी का इलाज मिलेगा आज आपको हेल्थ फर्स्ट शो में। दोस्तों, यूं तो हम सभी अपनी त्वचा का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी कई बार शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, खुजली होती है और इस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और एक गंभीर परेशानी का रूप ले लेती है। और ऐसी समस्या है दांत, जो कि लोगों को बहुत सताती है। अगर आपको भी दांत के लक्षण दिखते हैं, त्वचा पर खुजली और दाने नजर आते हैं, तो आज फर्स्ट हेल्थ फर्स्ट में हम इसी पर चर्चा करेंगे। उसके लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश माथुर जी, जो कि त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। तो दर्शकों, अगर आप भी सर से कोई भी सवाल जानना चाहते हैं इस समस्या से संबंधित, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो रिंग वॉर्म होता है, जिसे हम दांत कहते हैं देसी भाषा में, चक्री दांत भी बोलते हैं जी, जी डॉक्टर साहब, तो ये दांत होता क्या है? देखिए, दांत जो है आम भाषा का शब्द है जी, और जिसके अंदर दांत का मतलब ये नहीं है कि सब उसको टेक्निकल भाषा के अंदर हम उसको डिफाइन कर सकें जी। लेकिन दांत जो आते हैं, जिसको कि एक तो दांत हो जाए, यदि कहीं किसी के कोई एक्जिमा हो जी, जिसमें जिसको एक्जिमा या छाजन जिसको बोलते हैं, वो एक्जिमा, उसको भी लोग दांत बोलते हैं जी। उसके अंदर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जी, फुंसियाँ हो जाती है, पानी निकलने लग जाता है। दूसरा एक और होता है जिसको कि चक्री दांत बोलते हैं, जिसको कि रिंग वॉर्म इन्फेक्शन बोलते हैं, या हम इसको टेक्निकल भाषा में टीनिया क्रोरिस बोलते हैं, टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं, या उसको जो है वो चक्री दांत लोग ज़्यादा बोलते हैं, वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। और जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, उसके अंदर ये फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, और आजकल इसके बहुत सारे मरीज देखने को मिलते हैं जी। डॉक्टर साहब, अगर मैं लक्षण की बात करूँ, इनके लक्षण किस तरह पहचाने जा सकते हैं किसी भी व्यक्ति में? देखिए, लक्षण तो जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, दर्शकों को बता रहे थे, तो इसके अंदर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और गोल चक्कर के हिसाब से जो है इसके अंदर जो है वो स्किन इरप्शन हो जाते हैं, जिसमें कि बीच का हिस्सा खाली होता जाता है और आगे जो है वो पेरिफेरी के अंदर बढ़ता जाता है जी। और उसके अंदर लाल लाल निशान हो जाते हैं, खुजली आती है और सफ़ेद सफ़ेद छिलके से भी जम जाते हैं जी। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, जयपुर से नैना जी हैं। नैना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। नैना जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरे गले पे ना लाल लाल दाने हो गए हैं, कहीं ये दांत तो नहीं है? गले पे दाने गोल गोल चक्कर में हो रखे हैं या खाली यूं छितराए हुए से हो रखे हैं? गोल में हो रखे हैं, तो दांत हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और भी कहीं पे है क्या शरीर के अंदर? नहीं नहीं, जैसे नीचे जांघों के अंदर या और कहीं हाथ पे या मुंह पे? नहीं, सिर्फ गले पे। तो गले पे जहाँ पे आप ये कोई माला या हार वगैरह पहनते हैं, वहाँ तो नहीं हुआ रखा है? जी नहीं, थोड़ी अलग जगह है। अच्छा, तो वो या तो कहीं कोई जो है आप किसी माला से या उससे उसके उसकी वजह से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी हो सकती है, या फिर जो है वो धूप की वजह से भी हो सकता है, जिसको कि पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शंस बोलते हैं जी। नैना जी, उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब से आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हम दांत पर चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर साहब ऋतु परिवर्तन हो रहा है इन दिनों, मौसम चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर साहब मौसम चेंज होना कितना बड़ा कारण हो सकता है दांत होने का, या फिर चक्री दांत जिसके बारे में आप बात करें? मौसम चेंज की वजह से तो सारी बीमारियाँ ही फैलती हैं, और स्पेशली त्वचा रोग जो है जी, वो सर्दी के अंदर डिफरेंट तरह के त्वचा रोग होते हैं। अब जैसे इस बार तो खैर सर्दी ज़्यादा पड़ी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ चालू हो रही हैं तो लोगों को पसीना ज़्यादा आता है, धूप की जो तलखी जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगी है, तेज़ होने लगी है, तो धूप की वजह से जो है बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। जैसा कि हम जो आज का विषय है दांत के बारे में, वो पसीने की वजह से वो दांत भी ज़्यादा होंगे जी। तो डॉक्टर साहब, अगर हम इसे विभाजित करना चाहें, दांत जो होते हैं रिंगवॉर्म्स, तो किस तरह विभाजित कर सकते हैं, किस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं? देखिए, कैटेगराइज जो है रिंगवॉर्म जो होता है, जो फंगल इन्फेक्शन होता है, वो तो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, और जो हम उसको टेक्निकली कैटेगराइज करते हैं, यदि वो बच्चों के अंदर सर के बाल के अंदर होता है जी, तो उसको टीनिया कैपिटस बोलते हैं, और उसके अंदर सर के ऊपर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं बालों के अंदर, और या मोटा गुमड़ा सा हो जाता है, या उसके अंदर बाल उड़ जाते हैं, उसको टीनिया
कैपिटस बोलते हैं, कीरियन या फेवस जो है वो टेक्निकल भाषा के अंदर बोलते हैं। चेहरे के ऊपर गोल गोल चक्कर वाले जो है वो दाद हो जाते हैं क्योंकि फंगल इन्फेक्शन होता है। बगल में हो जाते हैं जो जांघों के अंदर जो साइड के एरिया होते हैं क्रूरल एरिया वहाँ पे हो जाते हैं। और तो और इन दिनों में तो बहुत देखने को मिला है कि कॉमन शरीर के ऊपर बहुत पूरे शरीर के ऊपर गोल चक्कर से जो है वो होकर के हो जाते हैं और वो दवाओं के मिसयूज से या जो लोग जो अपने दवा बीच में लेकर के छोड़ देते हैं उससे काफ़ी उसमें रेजिस्टेंस पैदा होता जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं सूरज की, उनसे भी दांत हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब धूप में लोग निकलते हैं, अक्सर निकलना ही पड़ता है काम के पर्पज से, तो किस तरह बचा जा सकता है उससे, वो जानना चाहूँगा। देखिए, धूप में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जो धूप की वजह से जो सन रेज जो होती है उसकी वजह से फोटोडर्मेटाइटिस हो जाती है, फोटो पॉलीमॉर्फिक लाइट रेफ्लेक्शन होते हैं। और जितने खुले हुए हिस्से होते हैं, जैसे चेहरे का जो खुला हिस्सा है, हाथों के जो खुले हिस्से हैं, उनके ऊपर लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, दाने निकलने लग जाते हैं और खुजली से उसके बाद पानी भी निकल सकता है। तो इसलिए उनके जिन लोगों को इस तरह की बीमारी हो वो उनको धूप से थोड़ा सा बचाव रखना चाहिए, ढक कर के निकलना चाहिए, सर के ऊपर कैप या टोपी या कुछ साफा वगैरह बांध के वो निकलना चाहिए, या फिर सनस्क्रीन लोशंस जो उपलब्ध होते हैं, मेडिकेटेड सनस्क्रीन लोशन, वो त्वचा रोग चिकित्सक बता सकते हैं। वो 30 SPF से लेकर के आजकल 50 SPF तक जो है वो मिलते हैं। SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्टिव फैक्टर, तो वो मिलते हैं, वो उनको उनका नियमित रूप से उपयोग करना है। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक जी हैं झुंझुनू से। हाँ जी अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछे डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार अशोक जी। सर, मेरे फैमिली के मुंह पे सर दाग धब्बे हो रखे हैं काले काले। चेहरे पे दाग धब्बे हो, क्या उम्र है अशोक जी आपकी? मेरे तो सर 30 ईयर्स है। तो कील मुहासे हुए थे क्या पहले चेहरे पे? ना फैमिली के सर, वो वैसे नहीं, कील मुहासे होने के बाद तो दाग धब्बे हो जाते हैं। एक दूसरा जो है वो गालों के ऊपर चकत्ते हो जाते हैं जिनको कि काले काले से हो जाते हैं, जो कि विशेषकर महिलाओं में ज़्यादा देखते हैं लेकिन पुरुषों में भी होते हैं वो हल्के काले। फैमिली के लिए पूछ रहा हूँ सर। हैं? फैमिली के लिए पूछ रहा हूँ। फैमिली के लिए जानना चाहते हैं। अच्छा, वाइफ के लिए जानना चाहते हैं आप? हाँ, तो जो जो महिलाएं जो हैं उनको चेहरे पे स्पेशली यदि वो प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान या उसके बाद में भी काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, जिसको कि हम मेलेज्मा बोलते हैं टेक्निकल भाषा के अंदर। अच्छा, वो खून की कमी से भी हो सकता है, थायराइड की बीमारी हो तो उससे भी हो सकता है, और विशेषकर वो प्रेगनेंसी या इसके बाद में ज़्यादा होते हैं, खाने पीने की कमी की वजह से भी हो सकते हैं। और ये इस तरह के दाग जो हैं वो धूप के अंदर ज़्यादा जो है वो गहरे हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, भैया बात कर रहे थे सनस्क्रीन लोशन लगाने की। डॉक्टर साहब, बहुत सी ऐसी भ्रांति है लोगों में कि सनस्क्रीन लोशन लगाने से स्किन टैन हो जाती है, स्किन पे दाग धब्बे हो जाते हैं, तो ऐसा होता है क्या सच में? स्किन पे दाग धब्बे या टैनिंग सनस्क्रीन से तो नहीं होता है जी, लेकिन चूंकि सनस्क्रीन लोशन जो होते हैं वो केमिकल सनस्क्रीन भी होते हैं, फिजिकल सनस्क्रीन जी। केमिकल सनस्क्रीन में कम से कम भी 4-5 किस्म के केमिकल्स होते हैं, और उन केमिकल से किसी भी केमिकल से जो है वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या इरिटेशन या जलन हो सकता है, जिससे कि वो सेंसिटिव हो, और यदि कहीं वो किसी से सेंसिटिव हो तो फिर उसको उससे दाग धब्बे वो हो सकते हैं। अदरवाइज केमिकल सनस्क्रीन जो है वो पहले शुरू में लगा के देखना चाहिए और उसको धीरे धीरे उसकी जो है मात्रा बढ़ानी चाहिए जी। और केमिकल सनस्क्रीन के अब फिजिकल सनस्क्रीन भी आते हैं जिनमें कि इरिटेशन पोटेंशियल कम होता है जी। डॉक्टर साहब, अगर मैं दांत की स्पेसिफिकली बात करूँ तो बॉडी का कौन कौन सा वो पार्ट है जहाँ पर दाग हो सकता है दांत, उसके बारे में जानना चाहूँगा। दांत तो बॉडी के अंदर कहीं भी होते हैं। हम बात कर रहे थे पहले सर की बात करी थी, टीनिया कैपिटस होती है, फिर फेस के ऊपर उसको टीनिया फिशिया ही बोलते हैं। अभी एक दर्शक ने पूछा गले के ऊपर भी हो सकते हैं, छाती के ऊपर हो सकते हैं, बगल के ऊपर हो सकते हैं उनको, और जो पेट पे होते हैं उनको टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं, जो उसके बाद में वो हाथों की अंगलियों में या हाथों के नाखून के अंदर हो सकते हैं उसको टीनिया मैनम बोलते हैं, वो जो यहाँ पैरों के जांघों के बीच में हो जाते हैं उनको टीनिया क्रूज बोलते हैं, पैरों की अंगलियों के अंदर वो जो है वो उसमें हो सकते हैं। इस तरह से दांत तो कहीं पे भी हो सकता है जी। तो डॉक्टर साहब, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के हाथ में दांत हो जाता है, उंगलियों में जो आप बात कर रहे हैं, तो बॉडी के और पार्ट्स में भी फैल सकता है क्या? और बॉडी के और पार्ट्स में फैल सकता है, और इनवेरिएबली वो साथ साथ होता ही होता है जी। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, भिलवाड़ा से बाबू मोहम्मद जी हैं। बाबू मोहम्मद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलेंगे तो आप बाबू मोहम्मद जी, हम तो बोल ही रहे हैं इतनी देर से जी, बोल रहे हैं सर। हाँ, हमारे ये सब सीमेंट की एलर्जी हो रही है सर। सीमेंट से एलर्जी हो रही है? सीमेंट से एलर्जी जो होती है ना सर, बाबू मोहम्मद जी, सीमेंट से एलर्जी बहुत ही
बेकार किस्म की एलर्जी है, और इसमें एक बार एलर्जी इसको जो है ना दो तरह के होते हैं, ये जो है ना क्रोमेट एलर्जी कहते हैं इसको हम टेक्निकल भाषा में, हेक्सावेलेंट क्रोमेट्स होते हैं जो है ना, वो पेंटावेलेंट क्रोमेट्स होते हैं, जो जो सीमेंट से जो एलर्जी होती है उसके अंदर आपको सबसे पहले तो उसका इलाज करवाना चाहिए, और जहाँ तक हो सके उस काम को छोड़ करके और कोई दूसरा दूसरे किस्म का काम जो है ना वो सीख करके वो करना चाहिए, क्योंकि सीमेंट की एलर्जी बहुत मुश्किल से जाती है जी, हाथों के अंदर ज़्यादा होती है सीमेंट की एलर्जी जी। डॉक्टर साहब दांत पर चर्चा कर रहे थे हम, तो आपसे जानना चाहूँगा इसे डायग्नोस किस तरह किया जा सकता है? देखिए डायग्नोसिस यदि कहीं कोई त्वचा रोग विशेषज्ञ उसको देखता है जी, तो वो तो उसको क्लिनिकली भी डायग्नोसिस कर सकता है। यदि उसको डायग्नोसिस करने के अंदर कहीं कोई मुश्किल आती है, दिक्कत आती है, तो उसका हम स्क्रेपिंग लेते हैं और उसको छिलके उसका छील करके जो उसके जो छिलके आते हैं उसको स्लाइड के ऊपर रख करके उस पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं 10% और उसको फिर माइक्रोस्कोप के अंदर रख करके देखते हैं कि उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन किस प्रकार का जी, और नहीं अगर उससे भी दिक्कत आती है तो फिर उसको कल्चर करके देखते हैं जी, मीडिया के अंदर उसमें 5-7 दिन लग सकते हैं कि किस प्रकार की ग्रोथ आती है जी। डॉक्टर साहब अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल जी हैं अजमेर से जी। अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। अनिल जी अपना सवाल पूछिए जी। हेलो, हाँ बोलिए अनिल जी। डॉक्टर धन्यवाद, मैं अजमेर से अनिल जैन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जी। जी मेरे पैर के अंदर घुटनों के टखने के अंदर मेरे काफी खुजली रहती है। हाँ हाँ, इसके बारे में। नीचे जो टखने का हिस्सा उस पर खुजली रहती है। शुगर की बीमारी तो नहीं आपको, डायबिटीज की इस प्रकार की? हाँ अनिल जी। जी सर। हाँ आप बताएं किस प्रकार की खुजली होती है और कहाँ पे पैर? नहीं डॉक्टर साहब, ना तो मेरे शुगर है ना मेरे को बीपी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो मोजे वगैरह पहनने से ज़्यादा नहीं होती? कई बार कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाती है ये नायलन के इनके मोजों से, उनसे हो सकती है। चाहे उस पर पैरों के ऊपर कोई हल्के किस्म के दाग धब्बे या वो तो नहीं हो रखे हैं? डॉक्टर साहब लगता है उनका संपर्क हमसे कट गया है जी। तो जैसा वो टखनों के ऊपर बता रहे थे उनका जवाब देने, क्योंकि टखनों के ऊपर जो है कई बार बैठने से इससे खाल मोटी हो जाती है और टखनों के ऊपर ज़्यादा खुजली आने लग जाती है। कई बार जिनके शुगर की बीमारी होती है उनको पैरों के ऊपर इस प्रकार के दांत काफ़ी होने लग जाते हैं जी। तो आशा उनको अनिल जैन साहब को अपना जो है वो जवाब तो मिल गया होगा, संपर्क कट गया लेकिन वो टीवी के सामने उनको जवाब तो मिल गया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा दांत जो है उसका उपचार किस तरह किया जा सकता है? देखिए उपचार के अंदर तो अब ये तो यदि कोई वो एक्जिमा है तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट लाइन के ऊपर चलता है, और यदि वो फंगल इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट लाइन पे। अभी जैसे एक दर्शक ने कहा कि साहब मेरे को सीमेंट से एलर्जी है जी, तो सीमेंट से एलर्जी के अंदर जैसे मान लीजिए कोई कॉन्टैक्ट एलर्जी है और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, तो उसके अंदर हम पैच टेस्ट करके उसका डायग्नोसिस करते हैं। उस पैच टेस्ट के अंदर पीठ के ऊपर 20 से लेकर के 25 एक इंडियन स्टैंडर्ड सीरीज होती है, एक यूरोपियन सीरीज होती है पैच टेस्टिंग की जी, उसमें सारे उसमें करीबन 25 एंटीजन से 100-150 चीज़ों से हम मालूम कर सकते हैं कि किस चीज़ से एलर्जी है। उस चीज़ से एलर्जी यदि हो तो उसको उससे संपर्क से बचना चाहिए। जैसे कई लोगों को निकल से एलर्जी होती है, तो निकल से एलर्जी होती है जैसे मोटरसाइकिल का हैंडल चलाया, साइकिल का हैंडल पकड़ा या बस का हैंडल पकड़ा या रेजगारी हाथ के अंदर पकड़ी या पेंट की जिप जो है ना वो लगाई, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा खुजली और दाद होने लग जाते हैं। इसी प्रकार से यदि कहीं किसी को और किसी चीज़, लोगों को हेयर डाई से काफ़ी एलर्जी होती है जो मेहंदी लगाते हैं काली मेहंदी, बिल्कुल उससे हो जाती है, उससे सर के अंदर दाग धब्बे या दाद या एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है जी। तो इस प्रकार से उसका डायग्नोसिस करके और फिर हम उसका उपचार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे जितने भी दर्शक जो अभी आपको देख रहे हैं उन्हें इसका उपचार बताने के लिए। तो दर्शकों अभी के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट में।